हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम मखाने की खीर बनाने जा रहे हैं। तो मखाने की खीर बनाने के लिए यहाँ पर हमने मखाना ले लिया है एक कटोरी, आप देख सकते हैं, और छोटी इलायची ले लिया है, किशमिश ले लिया है, काजू ले लिए हैं, बादाम ले लिए हैं, शक्कर ले लिए हैं, घी ले लिए हैं मखाना तलने के लिए, 1 लीटर दूध ले लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मखाने को भून लेंगे। तो मखाने को भूनने के लिए हमने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है और गैस ऑन कर दिया है। अब इसमें घी डाल देते हैं, 4 चम्मच घी डालेंगे। अब देख सकते हैं फ्रेंड, हमारा घी गर्म हो जाएगा, फिर हम मखाने को डालेंगे। तो हमारा घी गर्म हो रहा है, मखाने को डाल देते हैं, गरम हो चुका था घी। अब इसको हम चलाएंगे, नहीं तो नहीं चलाएंगे तो जल जाएगा। इसको चलाते रहना है जिससे हमारा मखाना जले ना। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मखाने को भून रहे हैं। मखाने के खीर आप व्रत में भी बना के खा सकते हैं। मखाना फायदेमंद होता है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा मखाना भून चुका है। अब इसको हम निकाल लेते हैं, ठंडा होने तक रख देंगे। अब इसको फिर दर्द जार में डाल के हल्का पीस लेंगे, दरदरा कर लेंगे। ज़्यादा महीन नहीं पीसना, बारीक नहीं पीसना है। अब हम गैस को पर दूर रख दिए हैं गर्म होने के लिए। दूध हमारा गर्म हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा मखाना जो है ठंडा हो चुका है। इसमें इसको हम जार में डाल के हल्का दरदरा पीस लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, देखिए हमारा मखाना पीस चुका है, कैसे पीसे हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा दूध गर्म हो रहा है। इसको दूध को चलाते रहना है, नहीं तो दूध नीचे लग जाएगा, खीर फिर हमारी अच्छी नहीं बनेगी। देखिए फ्रेंड्स, अब हम बादाम को थोड़ा धो लेते हैं, फिर इसको काटेंगे कि इसमें हम बादाम धो के ही इसको यूज़ करते हैं। अब इसको काट लेते हैं बादाम को। देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह बादाम को काट लेते हैं। अब हम काजू को भी काट लेते हैं, इसको भी धो लेते हैं थोड़ा पानी से, फिर काटेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब काजू को काट लेते हैं। इसी तरह काजू काट लेंगे, काजू को। देखिए फ्रेंड्स, काजू हम काट लिए हैं। अब हम किशमिश को भी धो लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, धो के रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं हमारा दूध गर्म हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा दूध गर्म, इसको चलाते रहना है।
देखिए फ्रेंड्स, चला रहे हैं, दूध हमारा गर्म हो रहा है। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर हम मखाना को डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा दूध उबल रहा है, देख सकते हैं आप, इसमें उबाल आ चुका है। अब इसमें हम मखाने को डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम मखाना डाल रहे हैं, देख सकते हैं आप। अब चला देते हैं। मखाने की खीर जल्दी बन जाती है। चावल का खीर और साबूदाने का खीर बनाओ, थोड़ा उसमें टाइम लगता है, लेकिन मखाने के खीर आपको जल्दी बन जाती है। आप इसको बना सकते हैं घर में, अगर आपको खीर खाने का मन कर रहा है तो जल्दी तुरंत बना सकते हैं। अब इसमें काजू डाल देते हैं, बादाम को भी डाल देते हैं, इसके साथ में पक जाए। ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगता है, 10 मिनट में ये मखाने पक जाते हैं। देख सकते हैं आप, इसको चलाते रहना है। चाय से हमारी खीर अच्छी बनती है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी खीर बन चुकी है। अब इसमें हम शक्कर और किशमिश को डाल देते हैं। देखिए फ्रेंड, किशमिश डाल देते हैं, खीर पक चुकी है। अब इस शक्कर डाल देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, शक्कर डाल दिए। अपने टेस्ट के अनुसार आप शक्कर डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें इलायची पाउडर डाल देते हैं। अब इसको थोड़ा चला देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी खीर बनके तैयार हो चुकी है। एक बाउल में हम, चलिए फ्रेंड्स, निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी खीर बनके तैयार हो चुकी है। अब एक बाउल में हम निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, आप ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कैसे लगी हमारी खीर। देखिए फ्रेंड्स, हम एक बाउल में निकाल लिए हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम ऊपर से काजू और किशमिश बादाम डाल देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी खीर बनके तैयार हो चुकी है। आप भी बनाइएगा और ज़रूर बताइएगा कैसे लगी खीर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करिएगा।